नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। कोरोना वायरस की चपेट से दिल्ली अब बाहर आती दिख रही है। पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रहा है, वहीं एक्टिव केसों की संख्या सिर्फ 15,000 है। रिकवरी रेट 84% के करीब हो चला है। वहीं जहां कई राज्यों में कोरोना बेडों की कमी है, वहीं दिल्ली में 77% सरकारी कोरोना बेड खाली है। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट जून महीने में चिंता का विषय था। 8 से 14 जून के बीच यह 32% तक पहुंच गया था, लेकिन इस हफ्ते ये गिरकर 7% पर रह गया है। पॉजिटिविटी रेट यहाँ ये मतलब है कि कितने टेस्ट पर कितने लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। राजधानी में जब टेस्टिंग बढ़ी तो एक एक दिन में करीब 4,000 तक संक्रमित लोग सामने आए, लेकिन अब स्थिति सुधर रही है। सोमवार को कुल 954 केस सामने आए, वहीं 39 दिनों बाद 1,000 से कम मामले सामने आए थे। दिल्ली में वैसे कुल केसों की संख्या 1,23,000 के पार पहुंच गई है, लेकिन एक्टिव केसों की बात करें तो दिल्ली में अभी सिर्फ 15,000 एक्टिव केस है। इसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है, जो राहत की बात है। दिल्ली एकलौता ऐसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जहां हफ्तों तक लगातार एक्टिव केसों की संख्या में कमी होती रही है। हो सकता है आपको ये जानकर हैरान हो, लेकिन यह सच है कि भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में ही हो रहे हैं। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर टेस्टिंग के मामले में दिल्ली सबसे आगे है। यहाँ 13 से 19 जुलाई के बीच रोजाना 1,30,000 से 1,50,000 के बीच टेस्टिंग हुई। तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा आदि सभी राज्य दिल्ली से पीछे। दिल्ली में कोरोना के ठीक हुए मरीजों का रेट यानी रिकवरी रेट 44% है। भारत की रिकवरी रेट की बात करें तो ये फिलहाल 63% है। दिल्ली उन राज्यों में शामिल है जिनका रिकवरी रेट सबसे बेहतर है। दिल्ली में शुरुआती में कोरोना मरीजों के लिए बेडों की कमी का मामला सामने आया था, फिर धीरे धीरे सरकारी बेडों की संख्या बढ़ाकर 11,874 तक लेकर जाई गई। फिलहाल दिल्ली में 77% कोरोना बेड खाली है। ऐसा होने के पीछे होम आइसोलेशन का अहम योगदान है। एक्टिव केस भले 16,000 के नीचे आ गए हैं, लेकिन मृत्यु दर अब चिंता की वजह बना हुआ है। दिल्ली में अब तक कोरोना 3,663 मौत हो चुकी है। दिल्ली में मृत्यु दर 3% के करीब है, जो कि भारत के औसत 2.4% से ज्यादा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।